हेलो गाइस, इस लेक्चर में हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ रहे हैं। इट इज इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का इंपॉर्टेंस है। इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल डायरेक्टली कॉन्सेप्चुअल बनते हैं। ओके, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। अगर हमको इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को डिफाइन करना है तो दीज आर वर्ड इमेजिनरी लाइंस टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का हम यूज इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। ओके, जैसे अगर हमने यहाँ पर एक कैपिटल क्यू चार्ज रखा हुआ है और इसके कारण हमको इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ड्रॉ करना है, तो एक टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है, उस फोर्स की जो डायरेक्शन होगी, उस फोर्स को और चार्ज पार्टिकल को मिलाने वाली जो लाइन है, दीज आर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। अगर इस टेस्ट चार्ज को हम इसके चारों तरफ रखते हैं तो हमको कुछ फोर्स का डायरेक्शन ऐसा मिलेगा। ओके, ऐसा रेडियल डायरेक्शन हमें मिलेगा। तो दीज आर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। ओके, दीज आर इमेजिनरी लाइन्स विच आर यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कंपेयर स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो हम ये लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आर यूज टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड टू कंपेयर कंपेयर स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, नेक्स्ट हम देख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। ओके, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन सरफेस ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल और टर्मिनेट टू द इंफिनिटी। ओके, तो ये हम लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम सरफेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेटेड टू इंफिनिटी और सरफेस ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। ओके, या सरफेस ऑफ नेगेटिव चार्ज। हमारे पास में अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी सरफेस से स्टार्ट होगा और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की सरफेस पे टर्मिनेट होगा। तो अगर एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज रखें तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैसे हम बनाएंगे, मैं ड्रॉ करके बता रहा हूं आपको। पॉजिटिव चार्ज की सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलर स्टार्ट होती है और नेगेटिव चार्ज की सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलर टर्मिनेट होती है। ओके, तो दीज आर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। व्हेन टू चार्ज पार्टिकल फर्स्ट नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड नियर टू इच अदर। ओके, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की सरफेस पे नॉर्मली टर्मिनेट होगी। तो एक प्रॉपर्टी हम और लिख सकते हैं, अगर हम केवल पॉजिटिव चार्ज की बात करें, अगर हम आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं, ओके, केवल एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज है तो उसका इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हमेशा रेडियली होगा। ओके, इसे हम दूसरे कलर से ड्रॉ कर सकते हैं, हमेशा रेडियली होगा। ओके, अगर हम आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की बात करें, इसे मैं रब कर देता हूं। आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की अगर हम बात करें नेगेटिव चार्ज
कि अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ये नेगेटिव चार्ज है, इसकी सरफेस पे नॉर्मली टर्मिनेट होगी। ओके, ऐसे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इसे भी हम कलर्ड बना सकते हैं, नॉर्मली टर्मिनेट होगी। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। सेकेंड प्रॉपर्टी हम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ चार्ज। ओके, जैसे हमारे पास कोई स्फीयर है, उसपे पॉजिटिव चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इलेक्ट्रिक लाइन, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स सरफेस पे हमेशा नॉर्मल होगी, परपेंडिकुलर होगी। ओके, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर होगी। ओके, अगर हमारे पास प्लेन चार्ज, शीट चार्ज, ये कोई एक चार्ज शीट है, तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जिसपे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है मान लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नॉर्मली होगी, ऐसे रेडियल डायरेक्शन में, सॉरी नॉर्मल डायरेक्शन में। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी हमने देखा, नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी टेंजेंट ऑन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, किसी पॉइंट पर, जैसे ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, ओके, अगर किसी पॉइंट पी पर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ की, दिस इज द टेंजेंट, इट शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। सिमिलरली अगर हमने यहां पर पॉइंट पी पर टेंजेंट ड्रॉ की, तो ये पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। किसी भी पॉइंट पर अगर हमने टेंजेंट ड्रॉ की है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इंडिकेट करेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट इच अदर। ओके, अगर दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है तो यहां पर हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, एक ई वन और एक ई टू, जो हमें दो इलेक्ट्रिक फील्ड को बताएगा। और कभी भी फिजिकल पैरामीटर एक पॉइंट पर दो पॉसिबल नहीं, एक पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल नहीं, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों का रिजल्टेंट हमें मिलेगा, तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी उसके अकॉर्डिंग होगी। तो कभी भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट नहीं करती है, ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल, है ना, एट सिंगल पॉइंट ई वन एंड ई टू टू इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट पॉसिबल। ओके, सो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट इच अदर। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इंडिकेट द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इंडिकेट स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ऐसे मैं रब कर देता हूं, ये सारी चीजें आप लिख चुके हैं। अगर हम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कुछ ऐसा कंसिडर करते हैं और तीन पॉइंट कंसिडर करते हैं, पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी और पॉइंट नंबर सी, हमको पता चल रहा है पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आर वेरी क्लोज टू इच अदर,
ओके, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी एस कंपेयर टू सी। एस कंपेयर टू सी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आर एट ए आर वेरी क्लोज टू इच अदर। सो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। ओके, बी पर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स काफी दूर है, तो इलेक्ट्रिक लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड वहां पर कम होगा। जैसे हम एक और कॉन्सेप्ट देख सकते हैं, अगर हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हमने ड्रॉ किया। अगर हम यहां पे देखें पॉइंट ए पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, यह हमें पता है। और यहां पर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आर क्लोज टू इच अदर एज कंपेयर टू दी बी। तो इस तरीके से हम स्ट्रेंथ का भी कंपेयर कर सकते हैं। तो हमने सारी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टीज देखी, और ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात कर रहे हैं डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण कैसे आप इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ड्रॉ करेंगे। जैसे हमारे पास में एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल अगर रखा हुआ है, तो हम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को कैसे ड्रॉ करेंगे, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर हमारे पास में दो चार्ज पार्टिकल रखे हुए हैं, तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को हम कैसे ड्रॉ करेंगे, नेक्स्ट हम ये देख रहे हैं। ओके, अगर हम बात कर रहे हैं दो चार्ज पार्टिकल, व्हेन टू चार्ज पार्टिकल, एक चार्ज पार्टिकल और दूसरा चार्ज पार्टिकल, बोथ आर पॉजिटिव, तो इनकी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एक दूसरे को रिपल करेगी। ठीक है, हम एक और प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऑलवेज रिपल इच अदर। एक और प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, सिक्स, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऑलवेज रिपल इच अदर। ओके, तो यहां पर दोनों की इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एक दूसरे को रिपल करेगी, तो हम ऐसे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, सेम एज इट इज नेगेटिव चार्ज के लिए आप डायरेक्शन को अपोजिट कर सकते हैं। ओके, नेगेटिव चार्ज के लिए हम डायरेक्शन को अपोजिट करके ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास कोई लाइन चार्ज है, ये कोई लाइन चार्ज है जिस पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स रेडियल डायरेक्शन में होगी, ऐसे रेडियल डायरेक्शन में होगी। ओके, जैसे किसी ट्यूबलाइट से लाइट इमिट होती है, सेम एज इट इज इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी इमिट होगी। ओके, तो हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की सारी प्रॉपर्टीज देखी है, और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैसे प्लॉट करना है सारे कॉन्सेप्ट देख चुके हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होगी वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का एनर्जी जो होगा उतना ज्यादा होगा, मतलब इतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। तो नेक्स्ट हम उसी की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम उसी की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक बहुत अच्छा पैरामीटर है, बहुत अच्छा इलेक्ट्रिक पैरामीटर है, जिसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को समझ सकते हैं। वेरियस टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वी कैन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग गॉस लॉ। तो एक गॉस लॉ के कॉन्सेप्ट को भी हम नेक्स्ट देखने वाले हैं। ओके।